हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ लेबनिज़ थ्योरम। इसमें दो एग्जांपल्स ही करवाऊंगी, एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन दोनों एग्जांपल्स में मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगी कि आप इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप इजीली कर पाएंगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इफ़ वाई इज इक्वल टू दिस वन देन वी हैव टू शो दिस स्टेटमेंट। ओके, तो इनमें एक ही टेक्निक यूज़ होगी। सबसे पहले तो इनको डिफ्रेंशिएट करना है हमने टू टाइम्स। ओके, टू टाइम्स इनको डिफ्रेंशिएट करना ही करना है जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो उसके बाद हम फिर लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। क्लियर? देखिए कैसे करना है इसको। पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। दिस विल बी वाई वन इज इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस साइन लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विच विल बी वन अपॉन एक्स, प्लस सेम इसको भी ऐसे ही करना है, बी साइन का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ लॉग एक्स विच विल बी वन अपॉन एक्स। क्लियर? देन वन अपॉन एक्स आ गया, इसके साथ भी वन अपॉन एक्स हो गया। ओके, तो एक्स का एलसीएम लेकर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया एक्स इंटू वाई वन इज इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। क्लियर? ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में सेकंड टाइम डेरिवेटिव जरूर लेना है इसका। अगेन डिफरेंशिएट करें, पहले ही बताया मैंने टू टाइम्स डेरिवेटिव इसका लेना ही लेना है हमें। अब सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे, इसके ऊपर लगेगा प्रोडक्ट रूल। दिस विल बी फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू प्लस वाई वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन इज इक्वल टू माइनस ए कॉन्स्टेंट आ गया, साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस log x into derivative of log x which will be 1 upon x. okay, then minus, अब देखिए cos का क्योंकि क्या क्या आएगा, माइनस साइन, तो हमारे पास बन गया b साइन log x। इसके पहले आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छी तरह से आना चाहिए। ओके, इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। क्लियर? अगेन 1 अपॉन x कॉमन आ गया और इसको फिर हम इधर ही ले जाएंगे, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस इसके साथ भी आ जाएगा x इंटू वाई वन इज इक्वल टू, दोनों में माइनस कॉमन आ गया बाहर और अंदर हमारे पास आएगा a cos log x प्लस b sin log x। क्लियर? अब ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए ये किसकी वैल्यू हो गई, y की, तो ये हमारे पास आ गया y। ओके, जब हम देखिए सेकेंड टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे या फर्स्ट टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास जो पूरी की पूरी इक्वेशन होगी इस सभी में या तो एक्स होगा या वाई होगा, जब वाई के डेरिवेटिव्स होंगे। ओके, इसमें यही होगा और तीसरा कोई भी टर्म नहीं होगी इसमें। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे इसको देखिए कैसे करना है। हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई। क्लियर? जाए इसको प्लस वाई ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मैंने ऐसे ही लिख लिया, तो ऐसे ही लिख लेंगे। क्लियर? अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे लेबनिज़ थ्योरम। नाउ डिफ्रेंशिएट बाय डिफ्रेंशिएटिंग एन टाइम्स बाय लेबनिज़ थ्योरम, बाय लेबनिज़ थ्योरम। अब देखिए इसको कैसे हमने अप्लाई करना है। पिछले पार्ट में आपने लेबनिज़ थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी होगी, जिसमें हमने क्या किया है, एन दो जो हमारे पास जो भी दो टर्म फंक्शंस होंगे उनके प्रोडक्ट होगी, उनका nth डेरिवेटिव कैसे लेना है हमने एन सी नॉट से स्टार्ट करके। जैसे पहले क्या आएगा, एन सी नॉट। ओके, अब हमारे पास देखिए ये दो फंक्शंस हो गए, एक हो गया एक्स स्क्वायर, एक हो गया वाई टू। ओके, तो सबसे पहले हमने इसको तो यू मानेंगे, इसको हम मानेंगे वी। क्लियर? तो वाई टू का nth डेरिवेटिव कितना होगा, पहले तो वाई एन प्लस टू। अब देखिए यहाँ अगर वाई वन होगा तो उसका nth डेरिवेटिव कितना होगा, वाई एन प्लस वन। क्लियर? ऐसे स्टार्ट करना है इसको हमें। तो वाई टू का क्या होगा, n प्लस टू इंटू ये सेम आ जाएगा, v एज इट इज आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्लस एन सी वन, अब इसका भी डेरिवेटिव अगेन एंड अगेन इसका का कम होता जाएगा, जैसे एन प्लस टू आ गया तो इसका क्या आएगा, एन प्लस वन आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, टू एक्स। क्लियर? अब नेक्स्ट प्लस एन सी टू, नेक्स्ट इसका क्या आएगा, वाई एन, इसका कम होगा, माइनस वन करते जाएंगे, और टू एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, टू। अब आगे स्टेप में इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। क्लियर? अब देखिए इसको सॉल्व करना है हमने, दिस विल बी प्लस अगेन एन सी नॉट, वाई वन का लिखेंगे वाई एन प्लस वन, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसको करने की। ओके, एंड इसको एक्स को एज इट इज रखा हमने, देन प्लस एन सी वन, वाई एन प्लस वन में माइनस वन किया हमने तो बनेगा वाई एन, और एक्स का डेरिवेटिव वन।
क्लियर स्टूडेंट्स, एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1, अब नेक्स्ट स्टेप में 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, तो ये भी यही खत्म हो गया। नाउ दिस विल बी इक्वल टू माइनस, एंड वाई का डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव, क्लियर है कि nth डेरिवेटिव क्या होगा इसका, वाई एन। क्लियर, अभी सभी टर्म्स को हम इकट्ठा करेंगे। पहले तो एन सी नॉट, देखिए एन सी नॉट जहाँ होगा उसका हमने वैल्यू लिखनी है 1, जहाँ एन सी 1 होगी उसकी वैल्यू लिखनी है n, ये सभी को पता है। एन सी 2 होगा, इसको कैसे सॉल्व करना है हमने, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, जब इसको सॉल्व करेंगे देन दिस विल बी n n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज आ गया, देन n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ जाएगा n n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे इनको लिखना है। ओके, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे सभी में ये सेम ही टर्म्स आएंगे। क्लियर, नाउ एन सी नॉट आ गया 1, तो हमारे पास रह गया ओनली एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस एन सी 1 की जगह पर हम लिखेंगे n, ये साथ में 2 आ गया एन एक्स वाई एन प्लस 1, क्लियर, प्लस देन 2 एज इट इज आ जाएगा, एंड एन सी 2 को हम लिखेंगे n n माइनस 1 n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू वाई एन, क्लियर, प्लस अगेन एन सी नॉट इज 1 इंटू ये एक्स ही आ गया x इंटू वाई एन प्लस 1, क्लियर, देन दिस विल बी प्लस एन सी 1 है क्या है n y n, इसको इधर ही ले आएंगे प्लस वाई एन इज इक्वल टू 0। अब सभी टर्म्स को इकट्ठा करना है हमने, देखिए ये तो कैंसिल हो गया, अब वाई एन प्लस 2 तो एक ही है तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2, क्लियर, देन प्लस अब हम इकट्ठे करेंगे वाई एन प्लस 1 की टर्म्स को, एक तो ये हो गई एक ये हो गई, ओके ये दोनों हो गई तो इनको हमने इकट्ठा कर लिया तो दोनों में से आ जाएगा हमारे पास 2 एन प्लस 1, एक्स भी कॉमन आ गया, ये आ जाएगा वाई एन प्लस 1, क्लियर। अब हम इकट्ठे करेंगे वाई एन की टर्म्स को प्लस, अब ये बनेगा, अब देखिए एन स्क्वायर माइनस एन, अब नेक्स्ट टर्म क्या है इसमें प्लस एन प्लस 1 इंटू वाई एन इज इक्वल टू 0, इसमें एन के साथ एन कैंसिल हो गया तो हमारे पास यही टर्म आ गई जो भी हमने प्रूव करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब हम करेंगे सेकेंड एग्जांपल इस टाइप की जिसमें ई रेस टू पावर टेन इनवर्स आ जाता है या ई रेस टू पावर साइन इनवर्स आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वाई इज इक्वल टू ई टेन इनवर्स एक्स, इसमें भी सेम वही स्टेप्स करेंगे, दो बार इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई वन आ गया हमारे पास, ये बनेगा ई रेस टू पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स विच इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल टू, एंड ई रेस टू पावर टेन इनवर्स एक्स किसकी वैल्यू है, वाई के। ओके, ये है y का फंक्शन, तो हमारे पास ये बन गया, देन अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, दिस विल बी अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास बनेगा फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2xy1 इज इक्वल टू, एंड y का डेरिवेटिव अगेन इज y1, तो जो भी ये इक्वेशन बनी हमारे पास डिफ्रेंशिएट करने पर सेकेंड टाइम, तो इसको इसके ऊपर ही हमने लैमिनस थ्योरम अप्लाई करना है टू फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर, नाउ डिफ्रेंशिएट बाय लैमिनस थ्योरम, बाय लैमिनस थ्योरम, लैमिनस थ्योरम मैंने अप्लाई करनी सिखाई है कि कैसे करना है हमने, देखिए बिल्कुल सिंपल है, एन सी नॉट लिखना है पहले, जैसे वाई टू है तो इसको हम लिखेंगे वाई एन प्लस टू क्योंकि nth टाइम ले रहे हैं अब हम। ओके, एंड इस फंक्शन को एज इट इज रखेंगे x के फंक्शन को, क्योंकि ये क्योंकि इसको जब हम आगे अगेन एंड अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा थर्ड टाइम जाकर, प्लस एन सी 1 वाई एन प्लस 1 आ जाएगा यहाँ, और इसका क्या बनेगा 2x प्लस एन सी 2 वाई एन आ जाएगा यहाँ, सिंपल, एंड 2x का डेरिवेटिव 2, आगे ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ स्टॉप हो गया फर्स्ट फंक्शन, प्लस अब इसको भी अगेन ऐसे ही करेंगे, एंड दिस विल बी एन सी 2 वाई एन प्लस 1 एंड 2x एज इट इज प्लस एन सी 1 वाई एन एंड 2x का डेरिवेटिव 2, यहीं खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट इज इक्वल टू, एंड वाई वन का डेरिवेटिव कितना होगा, सिंपली वाई एन प्लस 1, क्लियर, क्योंकि nth डेरिवेटिव है इसका। नेक्स्ट इज, अब इसको सॉल्व कर देंगे, अगेन एन सी नॉट की वैल्यू 1 ही आ जाएगी, एंड ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस,
एन सी वन एन ई आ जाएगा, तो ये बनेगा टू एन एक्स वाई एन प्लस वन, अगेन प्लस टू इंटू एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, फैक्टोरियल आ गया था तो टू ही रह गया, वाई एन प्लस एन सी नॉट की वैल्यू वन, टू ये टू ही आ गई, देन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन सी वन की एन आएगी, तो ये बनेगा टू एन वाई एन इज इक्वल टू वाई एन प्लस वन। ओके, अब इन सभी टर्म्स को हम इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू। अब वाई एन प्लस वन की कैसे आएगी, अब देखिए टू एन नेक्स्ट वाई एन प्लस वन की टर्म एक ये रही, तो ये बनेगा प्लस टू एक्स, क्योंकि x यही आ जाएगा हमारे पास, 2n प्लस वन एक्स इन दोनों में से कौन बनाएगा, और y n प्लस वन को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में होगी, तो ये बन गया माइनस वन इंटू वाई एन प्लस वन, क्लियर। देन y n की टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो ये होगी 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n, n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n कितना होगा, ये बनेगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n, तो ये बन गया n स्क्वायर प्लस एन। ओके, तो ये बनेगा प्लस एन एन प्लस वन वाई एन इज इक्वल टू जीरो, तो यही हमने प्रूव करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि इस टाइप के, देखिए जब भी हमारे पास e की पावर m इंटू टेन इनवर्स x भी आ सकता है, e की पावर साइन इनवर्स x भी आ सकता है, e की पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x भी आ सकता है, मीन्स इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिनमें इस टाइप की स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी होगी, ये सभी क्वेश्चन ऐसे ही हमने प्रूव करने हैं। ओके, इनको टू टाइम्स डिफ्रेंशिएट करके उसके बाद थर्ड टाइम इसके ऊपर लैमनिस थ्योरम अप्लाई करना है, लैमनिस थ्योरम भी बिल्कुल इस टाइप से ही हमने अप्लाई करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक। नेक्स्ट हम पार्ट में करेंगे कि nth डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर कैसे निकालना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।